अस्सलाम वालेकुम, मैं समरा अरसलान वॉक किचन से आज आपको दम का कीमा बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg कीमा। ये मैंने गाय का कीमा लिया, आप किसी भी उसका ले सकते हैं, बकरे का भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें इसी रेसिपी को चिकन में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके अलावा हमने इसके अंदर ही पपीता डाल दिया साइड पे उसको, ताकि जल्दी से गल जाए। और इसी के ऊपर मैंने नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत, आप जितना टेस्ट के मुताबिक अपना ले लें हस्बे ज़रूरत नमक। अब इसके अलावा हमें 2 टी स्पून लाल मिर्च, 1 टी स्पून ज़ीरा और 1 लेमन चाहिए। ये मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रख दिया, आप भी बना के रख सकते हैं, मैंने तो फ्रीज कर लेती हूँ, आपकी जैसी मर्जी, चाहे आप ताज़ा पीस लें। इसके अलावा मुझे 2 टेबल स्पून बेसन चाहिए, जिसको मैंने भून लिया हल्का सा, जैसी खुशबू आने लगी तो मैंने इसको उतार लिया। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून दही, 1 बड़ी प्याज, इसको अच्छे से गोल्डन सा कर लिया और उतार लिया मैंने। इसके अलावा मुझे चाहिए 1 टी स्पून गरम मसाला, जायफल जावित्री आधा आधा चम्मच और 3 मैंने इलायचियाँ ले ली। ये हैं हमारी चीज़ें, अब हम इसको इस कीमे के अंदर सब मिक्स कर देंगे। हमारी हरी मिर्च 2 टी स्पून ले ली मैंने, 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया था उसको भी मैं मिक्स कर रही हूँ, जायफल जावित्री और इलायची, गरम मसाला, 1 प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, हरी मिर्चें और ज़ीरा, नमक मैं पहले से डाल चुकी हूँ, मैंने आपको बता दिया था, लाल मिर्च है, लेमन डाल देंगे, बीज निकाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह हम पूरे कीमे में मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह उस सारे मसाले को मिक्स कर दिया। अब इसके ऊपर हम अपना हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको रख देंगे। इसको जितनी देर हम रखेंगे उतनी अच्छी तरह मसाला सारा कीमे के अंदर हो जाएगा और उतनी ही अच्छी खुशबू आएगी, तो उससे ये होगा कि टेस्ट में और अच्छा हो जाएगा। और ऊपर से भी हम डालेंगे, लेकिन हम अंदर से डाल दें कि इसके अंदर भी खुशबू अच्छी तरह कीमे के अंदर इसकी खुशबू आ जाए। 1 से 1.5 घंटे के बाद हम इसको पकने के लिए रखेंगे, अभी हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 से 1.5 घंटा हो गया, अब हम पतीले में थोड़ा सा ऑयल डाल के अपने कीमे को डाल देंगे हल्की आंच पे। अगर आप चाहें तो इसको सूखी मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैंने वैसे हरी मिर्ची डाली है, लेकिन जिनको और ज़्यादा थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा आएगा। वैसे सारा क्रीम हमने इसमें डाल दिया, अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके इसको हम दम पे ही पकाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही दम का कीमा है। एंड पे हम इसके ऊपर अदरक काट के डालेंगे और प्याज डालेंगे, ताकि वो खाने में एक अच्छा टेस्ट आता है और उसकी धुनी भी देंगे कोई लेगी, उसका टेस्ट भी आपको बिल्कुल बाज़ार से जैसे आप लेकर आते हैं वैसा आएगा। ये हमने ढक दिया, अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारा कीमा मुकम्मल तौर पर हो नहीं जाता। हम देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं कि दही वगैरह का सारा पानी है, अभी इसी पानी में अच्छी तरह कीमा हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको खोला है, मैं आप देख लेंगे तो इसकी ये वाली शक्ल भी मैं इसको फिर रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह हो जाए। अब हम इसको खोल के देखते हैं, ये देखिए हमारा दम का कीमा अपने सब मसालों के साथ,
अब हम इसी के ऊपर ऐसे ही सेम को अभी कुछ नहीं कर रहे हम, इसके ऊपर हम कोयले की धुनी दे देंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। कोयले की धुनी के लिए हमने एक पेपर वो ले लिया, बंद गोभी का छिलका सा ले लिया, तो कोयले रख के हम इसके ऊपर देसी घी, ये देखिए ये हो गया हमारी धुनी। हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे रखेंगे ताकि अच्छी तरह सारा धुआं उसके अंदर कीमे के अंदर हो जाए। इसके अलावा हमने अलहदा से हरी प्याज कह रही हूँ, हरी मिर्चें, अदरक, प्याज और पुदीना, इसको अच्छी तरह से छोटा छोटा सा स्टाइल में काट लिया ताकि अच्छा सा उसके ऊपर से लुक उसकी अच्छी से लगे। इसको हम ऊपर से डेकोरेट कर देंगे अपने दम के कीमे को। ये देख लें हमारी फाइनल लुक, हमने उसको अच्छी तरह से कोयले की धुनी जब होगी तो हमने उसको अपने डिश में निकाल के उसको डेकोरेट कर लिया। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें डालें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं इसकी कीमे की शक्ल बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी सा है। प्लीज़ इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी डिश पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।